press the bell icon for all the updates. पार्थ, तेनी और शोरवरी काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आखिर कौन बनेगी पार्थ की लीगल वाइफ और किसे जाना होगा भानुशाली हाउस छोड़कर? जानने के लिए देखिए इस हफ्ते की कहानी अब तक। शोरवरी अपने कमरे में होती है, तभी मोहिनी आकर शोरवरी के कान भरती है और कहती है कि तेनी उसकी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है और वो उसे पार्थ से दूर कर देगी। शोरवरी ये बातें सुनकर पार्थ पर शक करने लगती है, इसलिए पार्थ से जाकर पूछ लेती है कि क्या तेनी के जाने से वो दुखी है। तब पार्थ जवाब देता है कि शोरवरी की जगह उसके दिल में कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसी के अगले पल पार्थ शोरवरी को गलती से तेनी के नाम से बुलाता है। तब शोरवरी काफी दुखी हो जाती है। अगली सुबह शोरवरी तेनी के कमरे में आती है और देखती है कि तेनी के तकिए पर पार्थ का नाम लिखा हुआ होता है, जिसके बाद शोरवरी तेनी से दोनों चिट्स पर उसका नाम लिखने की वजह पूछती है। तब तेनी कहती है कि वो पार्थ और शोरवरी के बीच आ रही थी, इसीलिए उसे जाना चाहिए। खैर, पूरे परिवार को एक पार्टी का इनविटेशन आता है जिसमें तेनी का नाम नहीं होता। सब पार्टी में जाते हैं तेनी को छोड़कर, जहां मीडिया पार्थ और शोरवरी से तेनी के बारे में पूछते हैं। तब शोरवरी झट से कह देती है कि वो अब भानुशाली हाउस में नहीं रहती, जिसके बाद पार्थ नाराज होकर घर आ जाते हैं, जिसके बाद तेनी के मनाने पर शांत हो जाते हैं। पार्थ को पता चल जाता है कि तेनी ने दोनों चिट्स पर शोरवरी का नाम लिखा था और इस वजह से वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन तेनी उसे इसकी वजह समझाती है और कहती है कि अब उन्हें अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए। घर में सब पार्थ और शोरवरी के एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे हैं। पार्थ और तेनी को एक साथ में आते देख शोरवरी को बुरा लगता है। फिर जब तेनी अचानक ऊपर कमरे में जाती है, तब भी शोरवरी के मन में गलत ख्याल आता है, लेकिन जब शोरवरी अपने कमरे में पार्थ का दिया हुआ गिफ्ट देखती है, तब उसे बुरा लगता है कि उसने पार्थ और तेनी पर शक किया, और फिर रोते हुए वो कहती है तेनी को घर से जाने के लिए। तेनी जा ही रही होती है कि वो सीढ़ियों से गिर जाती है। सभी लोग तेनी को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। तेनी बेहोश है और डॉक्टर्स का कहना है कि तेनी के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसकी हालत कैसी है। शोरवरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसी की गलती है। पार्थ उसे समझाता है और कहता है कि इस सिचुएशन का सामना दोनों साथ करेंगे। सब घर चले जाते हैं और सिर्फ पार्थ और चुटकन अस्पताल में तेनी के साथ रुकते हैं। आधी रात में तेनी को होश आता है, लेकिन वो पार्थ को पहचानने से इनकार कर देती है। क्या तेनी की याददाश्त चले जाना पार्थ और शोरवरी की जिंदगी में कोई नया तूफान लाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी अब तक।